मरियम, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरी 3 फेवरेट ब्रेकफास्ट स्मूथीज की रेसिपीज शेयर करूंगी, जो कि पीने में बहुत मज़े की हैं और इसमें हमने जो इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं उनमें बहुत कम कैलोरीज हैं और वो आपके वेट को कम करने में भी हेल्प करेंगी। इसके अलावा ये जो स्मूथीज हैं ये बहुत क्विकली बन जाती हैं। मुझे पता है हमें से बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट को सिर्फ इसलिए स्किप कर देते हैं क्योंकि उनके पास सुबह टाइम नहीं होता, स्पेशली जो बिजी मॉम्स हैं या जो लोग काम पे जाते हैं, तो उनके लिए बहुत क्विक और ईजी ऑप्शन है ब्रेकफास्ट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ग्रीन स्मूदी। इसके लिए आपको चाहिए 1 कप ऑफ स्पिनच। स्पिनच में जो है बहुत कम कैलोरीज होती हैं लेकिन बहुत सारे मिनरल एंड विटामिन होते हैं। इसके अलावा बहुत सारा फाइबर होता है जो आपके पेट को कम करने में आपकी हेल्प करता है। उसके बाद हम लेंगे 2-3 टेबलस्पून ऑफ ग्रीक योगर्ट। ग्रीक योगर्ट में भी काफ़ी मिकदार में प्रोटीन होती है जो कि आपके वेट को कम करने में आपकी हेल्प करती है। इसके अलावा उसमें काफ़ी सारा कैल्शियम होता है जो आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में आपकी हेल्प करता है। उसके बाद हम लेंगे हैंडफुल ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स में भी बहुत कम कैलोरीज होती हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि आपके वेट को कम करने में आपकी हेल्प करते हैं। उसके बाद हम लेंगे हाफ एप्पल। एप्पल में भी बहुत कम कैलोरीज होती हैं लेकिन ये आपको बहुत देर तक फुलर रखता है और उसके साथ साथ बहुत सारा फाइबर होता है जो कि आपके वेट को कम करने में आपकी हेल्प करता है। इन सब इंग्रेडिएंट्स को हम ब्लेंडर में डाल देंगे और उसके बाद हम 1/2 कप ऑफ ऑलमंड मिल्क डालेंगे। अगर आपके पास ऑलमंड मिल्क नहीं हो तो आप नॉर्मल लो फैट वाला मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सिंपल 1 ग्लास ऑफ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को डाल के आपने ब्लेंड कर लेना है और ये आपकी ग्रीन स्मूदी रेडी है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्मूदी जो बनाएंगे वो है पाइनएप्पल एंड पीच स्मूदी। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप ऑफ पाइनएप्पल। पाइनएप्पल जो है बहुत अच्छा फ्रूट है आपके वेट को कम करने के लिए क्योंकि इसमें बहुत कम कैलोरीज होती हैं और बहुत सारे मिनरल एंड विटामिन होते हैं। इसके अलावा काफ़ी मिकदार में फाइबर होता है जो कि आपके वेट को कम करने में आपकी हेल्प करता है। इसके साथ साथ पाइनएप्पल जो है आपके मीठे की क्रेविंग को कंट्रोल करने में भी आपकी हेल्प करता है। उसके बाद हम लेंगे पीच। पीच में भी बहुत कम कैलोरीज होती हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट होता है और इसके साथ साथ पीच जो है वो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में आपकी हेल्प करता है जिसकी वजह से आपका वेट कम होता है। उसके बाद हम डालेंगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन। लेमन की वजह से आपकी स्मूदी का बहुत रिफ्रेशिंग टेस्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ लेमन जो है वो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में भी आपकी हेल्प करता है। इसके बाद हम डालेंगे 1 ग्लास ऑफ वाटर और इन सब चीज़ों को अब हम ब्लेंड कर लेंगे और ये आपकी पाइनएप्पल एंड पीच स्मूदी रेडी है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्मूदी बनाएंगे वो है बेरीज एंड बनाना स्मूदी। उसके लिए हम लेंगे 1 कप ऑफ मिक्स्ड बेरीज। मैं यहाँ पे फ्रोजन बेरीज यूज़ कर रही हूँ लेकिन आप अपनी मर्जी की बेरीज ले सकते हैं जैसे कि स्ट्रॉबेरीज, ब्लू बेरीज वगैरह। बेरीज जो है वो बेस्ट है आपके वेट को कम करने के लिए क्योंकि ये बहुत एंटीऑक्सीडेंट होती हैं, इनमें काफ़ी मिकदार में फाइबर होता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती हैं या आपके पेट के फैट को कम करने में आपकी हेल्प करती हैं। उसके बाद हम लेंगे 1 बनाना। बनाना भी एक बहुत अच्छा फ्रूट है स्पेशली मॉर्निंग में क्योंकि ये आपको बहुत सारी एनर्जी देता है, आपको बहुत देर तक फुलर रखता है और आपकी भूख को भी कंट्रोल करता है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 पीच। पीच के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपके वेट को कम करने में आपकी कितनी हेल्प करता है। इन सब चीज़ों को हम ब्लेंडर में डाल लेंगे और उसके बाद हम डालेंगे 1 कप ऑफ ऑलमंड मिल्क और इन सब चीज़ों को हम ब्लेंड कर लेंगे और आपकी ये बेरीज एंड बनाना स्मूदी रेडी है। तो आपने ये 3 स्मूदीज़ की रेसिपीज़ देखी, आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अभी के लिए खुदा हाफ़िज़।